बिजली को बचाने के लिए काफी तरह के प्रयास केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सौर ऊर्जा को काफी महत्व भी दिया जा रहा है। वहीं और सौर ऊर्जा के महत्व को बढ़ाने के लिए सोलर पैनल बनाने का परीक्षण सभी दूर दिया जा रहा है। अतः 2 अक्टूबर को देखते हुए एक कार्यक्रम इंदौर के केंद्रीय जेल में भी आयोजित किया गया। केंद्रीय जेल में बंद कैदियों को सोलर पैनल बनाने का प्रशिक्षण GSITS के प्रोफेसरों और छात्रों के द्वारा दिया गया और उनका एक डेमो का कार्यक्रम केंद्रीय जेल में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में रखा गया। यह जेल में बंद कैदियों ने सोलर पैनल बनाने का डेमो दिया। तकरीबन जेल में बंद 550 कैदियों ने सोलर पैनल बनाए और विधिवत तरीके से उनका डेमो भी दिया। वही जेल प्रबंधक का कहना है कि इस तरह से जेल में बंद कैदियों को आजीविका चलाने के लिए बेहतर विकल्प मिला। वहीं सोलर पैनल को लेकर जागरूकता अभियान चेतन सोलंकी के द्वारा जो चलाया जा रहा है उस पर जागरूकता अभियान का हिस्सा प्रदेश का एकमात्र इंदौर का केंद्रीय जेल बना। यहां एक साथ इतने कैदियों ने सोलर पैनल बनाए। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, स्टूडेंट सोलर एम्बेसडर वर्कशॉप। ये एक दिवसीय वर्कशॉप है। ये हमारा SGSITS इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ की संस्था के द्वारा एक वर्कशॉप आयोजित है। इसमें हमारे 500 बंदी भाइयों को हमने सोलर पैनल के माध्यम से किस तरह हम लाइट प्रकाश की व्यवस्था कर सकते हैं, ये एक प्रोग्राम अरेंज किया है। और इस प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी, जो बॉम्बे IIT कॉलेज में एनर्जी विभाग में इंजीनियर हैं, उनके मार्गदर्शन के उनके सहयोग से कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि वर्तमान समय में जो इलेक्ट्रिक जो हम उत्पन्न कर रहे हैं, जो तैयार कर रहे हैं, उसके तैयार करने में जो प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण को समाप्त करके हम सूर्य की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसके माध्यम से प्रकाश तैयार करें और उस प्रकाश का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करें। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज SGSITS कॉलेज के जो हमारे डायरेक्टर साहब थे राकेश सक्सेना साहब, और जो हमारे व्यवहार्य साहब हैं जो प्रोफेसर हैं वहाँ के, हालांकि रिटायर्ड है, वो उपस्थित थे। उनके सौजन्य से उनकी उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित हुआ है और उसमें हमारे 500 बंदी भाई जो हैं 2 शिफ्ट में, प्रारंभ में और प्रातः और इवनिंग में, इस वर्कशॉप में शामिल हुए हैं।